अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं वहीद इन्फो हब यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वक्त मेरे पास मौजूद है होंडा प्राइडर 100 CC 2019 मॉडल है ये, और ये बाइक सेल के लिए अवेलेबल है। किसी भी दोस्त को चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखें, मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में दूँगा। ये बाइक नवम्बर 2019 की शोरूम से निकली हुई है, हैदराबाद रजिस्ट्रेशन नंबर है और कंडीशन आपके सामने है। बाइक बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है और इंजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अर्सा पहले इसमें चैन सेट, बैटरी, क्लच प्लेट, टाइमिंग चैन और फ्रंट मडगार्ड जो है वो न्यू डाला गया था, जिसमें 13 से 14 हज़ार का खर्चा आया था। इस वक्त बाइक बिल्कुल ओके कंडीशन में है और लोकेशन जो है वो कासमाबाद हैदराबाद सिंध है, और हैदराबाद का ही रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है इस पर। किसी भी दोस्त को चाहिए तो मैं नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, रब्ता करके आप देखने आ सकते हैं। किसी भी वक्त बाइक आकर आप चेक कर सकते हैं। और इस बाइक की जो टॉप स्पीड मैंने नोट की है वो 95 से 105 के दरमियान नोट की है, और इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज मैंने नोट की है वो 37 किलोमीटर फी लीटर से लेकर 45 किलोमीटर फी लीटर के दरमियान में रही है। ये काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है, स्पेशली तब जब आप लॉन्ग रूट पर जाते हैं तो आपको थकन का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। अगर होंडा प्राइडर को हम 125 और CD70 से कंपेयर करें तो ये दोनों बाइकों से काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है और काफ़ी आरामदायक बाइक है। इसके शॉक्स बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, और इस बाइक की फ़ाइनल और आखिरी प्राइस 75,000 है। इससे कम में ये सेल नहीं करनी, और मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भाई को भी ये बाइक लेनी हो वो मोबाइल नंबर पर रब्ता करके आ सकता है किसी भी टाइम। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो के एंड में मैं आपको वो पार्ट्स दिखाऊंगा जो इस बाइक में न्यू डाले गए हैं, जैसा कि टाइमिंग चैन, क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, चैन सेट और बाकी छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें इसमें न्यू डाली गई हैं। अल्लाह हाफिज़।